एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो हमारा जो मेन टॉपिक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, उसकी एक वीडियो हम पहले लेकर के आए थे, आज हम इसकी आखिरी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनी वो पढ़ाया, इसके अलावा कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, जिस समय कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ तो उस समय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो इंडिया में फैल रही थी, प्रमोट हो रही थी, उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। लेकिन ड्यू टू द ग्लोबल डेवलपमेंट्स इट गॉट इट्स पॉपुलैरिटी बैक विद इन नो टाइम, यानी बहुत कम समय में ही अपनी पॉपुलैरिटी को रिगेन कर लेती है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आपको याद रखना है कि 1928 ऑनवर्ड्स सोवियत इकोनॉमी जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, बहुत रैपिडली डेवलप करती है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत चल रही थी और स्टालिन के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए 5-year प्लान्स इसका एक प्रमुख कारण था कि सोवियत इकोनॉमी जो है बहुत बढ़िया तरीके से फ्लरिश कर रही थी। बाकी पूरी दुनिया जो है, यानी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है, जो सोवियत इकोनॉमी जो चल रही थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत चल रही थी, बाकी जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस कर रहा था। और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में आया एंड इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी अमॉन्ग मासेस। तो ये समय आपको वो वाला समय देखने को मिलेगा कि लोगों में परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो थी वो खत्म हो गई थी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, और सोवियत इकोनॉमी जो है स्टिल बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में सोवियत इकोनॉमी के इस मॉडल को देखते हुए पूरी दुनिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगी, उसकी तरफ आकर्षित होगी। और इसी में आपको बहुत ज़्यादा इंडियन लीडर्स भी देखने को मिलेंगे जो सोवियत इकोनॉमी से अट्रैक्ट होंगे। ये वो समय है जिस समय ना केवल इंडियन लीडर्स आपको सोवियत इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, सभी इंडियन लीडर्स की बात नहीं हो रही, कुछ इंडियन लीडर्स बल्कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी जो इंडिया में थे वो इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसको प्रमोट कर रहे थे। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से एक्शन लेती है बहुत स्विफ्टली, और फिर से आपको देखने को मिलेगा कि 1929 में मीरठ से 31 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दे वर द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर कम्युनिस्ट मेंबर्स, तो उनको अरेस्ट किया जाता है अंडर मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। और इनमें से आपको देखने को मिलेगा कि 3 मेंबर्स जो थे दे वर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड दे वर ऑल्सो ट्राइड एंड कन्विक्टेड अंडर मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो आज हम मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे। तो देखिए, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस की अगर हम बात करें तो हमें देखना है कि जब ग्लोबल डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हो रही थी कि जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा प्रोपगेट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, ठीक है। और इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि 1928 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा कि जो सोवियत इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ USSR, ये इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा स्विफ्टली आपको देखने को मिलेगा डेवलप करेगी, डेवलप्ड इन रैपिड फैशन। तो रैपिडली डेवलप करती है सोवियत इकोनॉमी इस समय, और इस इकोनॉमी के डेवलप होने के पीछे का कारण था कि कम्युनिज्म बेस्ड ऑर्डर था ये, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था सोवियत यूनियन, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए स्टालिन जो थे उन्होंने 5-year प्लान जो है वो इंप्लीमेंट किए यहां पर। तो 5-year प्लान, ये चीज देखने को मिलेगी, इस वजह से सोवियत इकोनॉमी जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस कर रही थी। बाकी अगर हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की बात करें कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इस समय क्या कर रहा था, कम्युनिस्ट वर्ल्ड की हमने बात कर ली, तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज विटनेसिंग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी अमॉन्ग मासेस, ठीक है, इट वॉज ड्यू टू लेक ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी। तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई थी, कैपेसिटी अमोंग मासेस। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल रही है, सभी लोग इससे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इवन कि बहुत ज़्यादा इंडियन लीडर्स भी आपको देखने को मिलेगा जो मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी समय आपको देखने को क्या मिलेगा कि ना केवल इंडियन लीडर्स बल्कि इंडियन लीडर्स के साथ में ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होंगे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। तो सम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे इंडिया में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती थी। वंस अगेन दे एक्टेड इन स्विफ्ट मैनर एंड दे अरेस्टेड 31 मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए,
31 मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है। मीरठ से 1929 में मीरठ से 31 मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट मेंबर्स वर अरेस्टेड। तो 31 मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है मीरठ से, एंड अमॉन्ग दिस 31 थ्री वर ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो तीन गोरे भी थे इसमें। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एट दैट टाइम कि अंग्रेज लोग भी जो हैं वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए थे, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है वो सफर कर रहा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, लेकिन वहीं पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से आपको सोवियत यूनियन प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत सारे अंग्रेज लोग भी अट्रैक्टेड होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे इस वजह से। और तीन ऑफिसर्स जो हैं जिनको यहाँ पर जिनके ऊपर ट्रायल लगाए जाते हैं, देवर ऑल्सो कन्विक्टेड, पहले आपको देखने को मिलेंगे फिलिप स्प्रैट, देन सेकेंड ऑफिसर वॉज बेन ब्रैडली, एंड द थर्ड ऑफिसर वॉज लेस्टर हुचिनसन, लेस्टर हुचिनसन। तो ये तीन जो थे दे वर अरेस्टेड, दे वर ट्राइड एंड कन्विक्टेड अंडर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो नाम मैंने लिखा है फिलिप स्प्रैट है, बेन ब्रैडली, और तीसरा अगर नजर नहीं आ रहा है तो देन दिस इज लेस्टर हुचिनसन, ये तीसरे ऑफिसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेस्टर हुचिनसन जो कि अरेस्ट किए गए, दे वर ट्राइड एंड कन्विक्टेड अंडर मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इनको, ठीक है, सजा दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसे सर्कमस्टांसिस में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर कम्युनिस्ट पार्टी टू बी इलीगल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर टू बी इलीगल उसको डिक्लेयर किया गया ऐसे सर्कमस्टांसिस में। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सीक्रेटली आपको देखने को प्रमोट करेंगे एक लीडर जिनका नाम है पीसी जोशी। व्हाट ही डिड, ही प्रमोटेड दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सीक्रेटली। ठीक है, और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है स्लोली एंड स्टेडीली वापस से प्रमोट होकर के पहले की तरह फैलने लगी और नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो इंडिया में है आगे चल करके बहुत बड़ा फेलियर साबित होगी। आपको देखने को मिलेगा कि 1941 में व्हेन हिटलर अटैक्ड यूएसएसआर, ही अटैक्ड यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के ऊपर जब हिटलर ने अटैक किया, दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी दे स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिश। ये अब किसको सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे का कारण ये था कि ब्रिटिश वर फाइटिंग अगेंस्ट हिटलर। अभी देखिए जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर इज द मदर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म का मदर आ गया यूएसएसआर, और हमारे कम्युनिस्ट जो थे दे वर सपोर्टिंग यूएसएसआर, और जब हिटलर ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया तो वो हिटलर को अपना दुश्मन मानने लगे। हिटलर वॉज फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म, हिटलर वॉज ए फासिस्ट लीडर, तो इस फासिस्ट लीडर के खिलाफ में ब्रिटेन भी लड़ रहा था। सो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन भी हिटलर के खिलाफ में लड़ रहा है, ब्रिटेन वॉज अगेंस्ट फासिज्म, तो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, दे टर्न्ड टू बी प्रो ब्रिटिश एट दैट टाइम। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक मेजर डेवलपमेंट होगा जो आगे चल करके काफी डेट्रीमेंटल होगा, क्योंकि 1942 में इंडिया में एक मूवमेंट चलता है जो आगे चल करके रिवोल्ट बन जाता है, दैट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट टर्न टू बी क्विट इंडिया रिवोल्ट। और इस रिवोल्ट के दौरान यू विल फाइंड दैट द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दे फैसिलिटेटेड ब्रिटिश टू सप्रेस दिस रिवोल्ट, यानी यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स होंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, इस रिवोल्ट को खत्म करने में। ऐसे सर्कमस्टांसिस में दे बिकेम फेवरेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दिस कम्युनिस्ट पार्टी टू बी लीगल इन इंडिया। पहले उसे इलीगल डिक्लेयर किया था, अगेन दिस पार्टी वॉज डिक्लेयर लीगल इन इंडिया। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी की इस हरकत के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में अपनी मास बेस जो है वो खो देती है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की पॉलिटिक्स में एक माइनर प्लेयर बनकर के रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने ही लोगों के साथ में गद्दारी की इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कारण। जो क्विट इंडिया रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ में हुआ, इन्होंने अपने ही लोगों को खत्म करने में, उनको मरवाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इनके आइडियोलॉजिकल शत्रु ब्रिटिश के साथ में इनके आइडियोलॉजिकल शत्रु जो हिटलर है ठीक है उसके खिलाफ में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लड़ाई कर रही थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगी या तो केरला में या बंगाल में, और ये एक माइनर प्लेयर बनकर रह गई इंडियन पॉलिटिक्स में। आई होप ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।